इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर बेलगाम शहर की सियासत में सरगर्मियां देखी जा रही है। हाल ही में हंगल सीट पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें जाग चुकी है। वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी और मनमानी फैसलों के चलते भाजपा इस खुशफहमी में थी कि मुल्क के धर्म के ठेकेदार और असल राष्ट्रवादी हम ही हैं और हम जिस तरह चाहे हुकूमत कर सकते हैं। लिहाजा जमनी इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद तकबुरी का नशा अपने आप नीचे उतर आया। वैसे तो जिंदगी की सीट पर भाजपा जीत दर्ज करने के बाद भी हंगल की हार की ही चर्चा जारी है। ये जमनी इंतखाबात इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि वजीर आला की कुर्सी से येडियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को लाया गया था ताकि और बेहतर गिरफ्त आवाम पर हो सके और इस तरह की इश्तेहारबाजी भी भाजपा की जानिब से बारहा की गई थी। बसवराज बोम्मई ने तो ना सिर्फ रियासत बल्कि मुल्की सतह पर भाजपा की सुनामी की बात कही थी। लिहाजा कुल 28 नतीजे में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें बसवराज बोम्मई के जिले हंगल के साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी की सीट जो कांग्रेस ने 7 साल बाद जीत ली है। दिवाली के मौके पर भाजपा निकलता दिवाला देखकर कुछ सख्त फैसले भाजपा को लेने पड़े, जिसमें महंगाई से नाराज आवाम को महसूस किया गया। ऐसा ना हो कि मनमानी महंगाई तो धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं इसी के चक्कर में कीला ना निकल जाए, यानी कि यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं, जो यूपी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि यूपी से ही होकर हुकूमतें बनती हैं। क्योंकि अब 2022 में 5 रियासतों के चुनाव होने, 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं और इसमें सबसे खास उत्तर प्रदेश है। इख्तदार की कुर्सी इसी उत्तर प्रदेश से होकर हासिल की जा सकती है। पेट्रोल की आंच में कहीं यूपी हाथ से ना निकल जाए, इस डर से डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया। इसके बावजूद भी पेट्रोल 100 के पार ही है। बेलगाम से भी सस्ता पेट्रोल गोवा में मिल रहा है और इससे पहले भी अक्सर देखा गया है कि बेलगाम से कम दाम पेट्रोल डीजल के गोवा में देखे जाते हैं, जबकि दोनों रियासतों में भाजपा की ही हुकूमत है। बेलगाम से भी 4.55 रुपए पेट्रोल सस्ता गोवा में मिल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जहां भी जल्दी चुनाव है वहां ज्यादा कीमतें घटा दी जाती है, बाद में उन जगहों पर भी दाम कम कर देते हैं जहां पर चुनाव होने हैं। लिहाजा इस मौजू पर चर्चा जारी है। भाजपा की हुकूमत गोवा कर्नाटक में होने के बावजूद भी दाम अलग अलग क्यों है? अब गलती का एहसास तो हुआ है, पर इसे भी कैसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, ये भी भाजपा से सीखने की जरूरत है। गोदी मीडिया के अखबारों ने इसे दिवाली तोहफा कहकर पहले पन्ने पर जगह दी। जश्न मुबारकबाद ऐसे जैसे आवाम की लॉटरी निकल गई हो, जबकि तमाम मामले हारने की वजह से हो रहे हैं। धर्म के नाम पर और बेवकूफ नहीं बना जा सकता, इसका एहसास जमनी इंतखाबात में जरूर हुआ है। रियासत कर्नाटक की हंगल की जीत का चर्चा मोदी अमित शाह के खेमे में भी हो रहा है। कहीं येडियुरप्पा को हटाकर गलती तो नहीं की, ऐसा भी शायद सोचने पर ये लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि येडियुरप्पा की गिरफ्त सभी तबकात के लोगों में थी। खैर, अब कांग्रेस ने बम्बई के जिले में भाजपा को हराकर जीत दर्ज की है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश भाजपा सदर जेपी नड्डा के रियासत में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कर्नाटक की तरह गुजरात और उत्तराखंड में भी वजीर आला तब्दील किया हुआ है, जहां अगले साल असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा के खेमे में टेंशन बढ़ा हुआ है, तो कांग्रेस अब कुछ हद तक मुस्कुरा रही है। हंगल की सीट जीतने के बाद मकामी लीडरों ने भी बयानबाजी शुरू की है। आज एक और बयान देकर सतीश जारकिहोली ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक लीडर ने बेलगाम पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। लिहाजा मैं अब खुद ही तवज्जो देने जा रहा हूं। अपने फेसबुक पेज के जरिए बल्दिया इंतखाबात के तमाम तफसीलात पेश करते हुए मकामी लीडर से नाराजगी का इजहार किया और मकामी लीडरों पर भरोसा किया ऐसा भी कहा। मकामी लीडरों ने काम ठीक से नहीं किया ऐसा भी कहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो लीडर जिससे सतीश जारकिहोली को नाराजगी है? जाहिर है, भले ही इशारे में ही क्यों ना हो, कहीं साबिक एमएलए की तरफ तो इशारा नहीं था। ऐसी भी चर्चा जारी है। लिहाजा बेलगाम नॉर्थ, जहां पर अक्सरियत मुस्लिम वोटर्स की है, क्या इस बार कांग्रेस की जानिब से कुछ अलग इकदाम उठाए जाएंगे? क्या मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा या फिर लिंगायत को देकर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए कहा जाएगा? खैर, अभी भी वक्त है और जिस तरह इंतखाबात नजदीक आते हैं तस्वीर भी बदलती जाती रहती है। इधर एमआईएम, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ ख्वाहिशमंद हजरात जो मुस्लिम हैं, वो भी एमएलए की रेस में एक अरसे से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को वोट करती आई है। पर अब कुछ सियासी बेदारी मुसलमानों में भी देखी जा रही है। कांग्रेस को एक तरफा वोट करने का रुझान तो फिलहाल आवाम में नहीं देखा जा रहा, पर सवाल उसी जगह पर आकर रुक जाता है कि आखिर वोट किसे दिया जाए? क्या मुस्लिम पार्टी को वोट दिया जाए तो इसका कितना फायदा होगा? क्या मुसलमानों को इस वक्त जज्बाती फैसला नुकसान दे तो नहीं? खैर, ऐसे कई सवाल जिसमें
मुस्लिम वोट फिर से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस से सतीश जारकीवाली या फिर इनके हिमायतों को आवाम कबूल करेगी? लिहाजा आने वाले चुनाव के मद्देनजर शिकवा शिकायत के साथ मंसूबाबंदी भी जारी है। बेलगाम नॉर्थ से राजू सेठ को टिकट हासिल हो सकता है क्या? ये भी अहम सवाल है, क्योंकि सतीश जारकीवाली और डीके शिवकुमार रियासती कांग्रेस में अहम किरदार निभाएंगे। अगर राजू सेठ को टिकट दिया जाता है तो दिगर मजाहब के लोग मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी अंदरूनी इख्तलाफात का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा। अवाम भाजपा से बदजन हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, अब हिंदू मुस्लिम मसले पर गालिब आ रही। लेकिन अवाम कांग्रेस के हवाले हुकूमत करना भी चाहेगी तो क्या इनके आपसी मामला ठीक है? लिहाजा इस मौके को गनीमत समझकर पहले भाजपा को इख्तदार की कुर्सी से हटाने की कोशिश करेगा। वैसे भी जेडीएस तो रेस में है नहीं, तो कांग्रेस को जाहिर है मौका है, कह सकते हैं। ऐसा कईयों का कहना भी है, कई इल्मी दानिशों ने इस पर अपनी राय भी जाहिर की। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरह जमनी इंतखाबात के नतीजों ने भाजपा को हिला दिया है, अगर आवाम ने फैसला कर लिया है तो यूपी के साथ दिगर रियासतों में भी गैर भाजपाई हुकूमत जरूर आएगी, जिसका शायद आवाम को इंतजार हो सकता है। अभी जिस मौजू पर चर्चा हुई, इसी के मद्देनजर एक और खास खबर हासिल हुई है, जिसमें कांग्रेस रियासती सदर डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा के कई लीडर कांग्रेस में दाखिल होने के लिए कतार लगाए खड़े हैं, लिहाजा 2023 का चुनाव आप देखेंगे बहुत खास होगा। इसी तरह उन्होंने आगे कहा कि कुछ नाराजगियां हो सकती है, लेकिन भाजपा जेडीएस के तमाम लीडरों को कांग्रेस के दरवाजे खुले। बहरहाल जिन्होंने 2019 में हुकूमत को गिराकर भाजपा की गोद अख्तियार की थी, इन्हें छोड़कर ऐसा भी कहा। बम्बई को बिजली की कमी पर इशारा देते हुए कहा कि अगर बिजली कटौती की गई तो कर्नाटक में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा, ऐसा भी इशारा दिया गया। कड़ोली के नजदीक रेत की टिप्पर ने 25 के करीब बकरियों को तेज रफ्तार से कुचलने से बकरियों की मौत हो गई है, जिसमें बकरियों का चरवाहा भी जख्मी हो गया है। डीसी दफ्तर के सामने आज तमाम मरे हुए बकरियों को रखकर नुकसान भरपाई की गुहार लगाई गई। बकरी के मालिक ने अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जिस टिप्पर ने ठोकर मारकर बकरियों को कुचला है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करे और मुआवजा हुकूमत की जानिब से दिया जाए। तकरीबन 1.5 साल से बंद स्कूलों को शुरू करने का फैसला हुकूमत की जानिब से आखिर लिया गया। यूकेजी एलकेजी को भी शुरू करने का हुक्म दिया गया। पिछले 1.5 साल से कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को बंद किया गया था, अब यूकेजी से सभी स्कूलों को शुरू किया गया। साथ में रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया। आज हुकूमत की जानिब से ये तमाम इत्तला दी गई। जहां एक तरफ बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से इश्तेहारबाजी भी की जा रही, लेकिन सच्चाई ये है कि तकरीबन 1,500 के करीब बच्चे बेलगाम जिला में स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते किस कदर घरों में माशी हालत पर असर हुआ है, इसका महज अंदाजा ही लगा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी, स्कूल की फीस अदा न करना, गरीबी, सेहत, घर के मसाइल के चलते बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। सर्व शिक्षण अभियान के तहत सर्वे के मुताबिक घरों में गरीबी के साथ दिगर मसलों पर स्कूल छोड़ दिया है। उनकी उम्र 14 से 16 बताई जा रही। बच्चों ने मजदूरी या दिगर कामों में दिलचस्पी दिखाई। जहां हुकूमत अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटते थकती नहीं है, वहीं ये सच्चाई है कि रियासत कर्नाटक में हजारों बच्चे घर की हालत की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। बेलगाम के साथ बीदर 2600, गुलबर्गा 2130, रायचूर 1966, चित्रदुर्गा 1600 और धारवाड़ में 1500 के करीब बच्चे स्कूलों को छोड़ चुके हैं। बेलगाम शहर रहमान फाउंडेशन के नुमानी हॉस्पिटल में अब घरों तक जाकर मरीजों को देखने की सर्विस को शुरू किया गया है। जिन घरों में बुजुर्ग लोग हैं और अस्पताल नहीं जाया करते, ऐसे घरों को डॉक्टर्स नर्सिस के जरिए पेशेंट को देखने का काम शुरू किया गया। नुमानी अस्पताल की इस खिदमत पर इन्हें सराहा जा रहा है। घरों में मरीज देखने के लिए इन तमाम स्क्रीन पर दिए नंबरात पर आप रब्ता करें, 24 घंटे मरीजों का चेकअप किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।